आराम से यहाँ रह के ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कोई चेर्नोबिल डिजास्टर जोन में चले गए हो यहाँ पर. इन द नाइट हर गोस्ट कम्स अलाइव. हम यहाँ पर शूटिंग करने लग रहे थे तो आशीष इस सड़क से गुजर रहे थे, साइड में हमें देखा, कहाँ से आप घूम कर आए, आगे से घूम कर वापस फुटपाथ पे आ गए. You can see all the way he came. टायर मार्क. आशीष ने टायर मार्क छोड़ दिया यहाँ पर. At first there was like, oh my god, that guy is coming right at us. Yeah. What is he doing on the sidewalk? He wants to hit us. तो हम यहाँ पर आए हैं प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम को देखने, जिसे कल ही इनॉग्रेट किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा. तो नया म्यूजियम है, नई अट्रैक्शन है दिल्ली में. तो देखते हैं चल के कैसा होगा. होपफुली खुला होगा. ये कल इनॉग्रेट किया, ऑनलाइन तो लिखा है ये खुला है, देखते हैं. लेकिन न्यू दिल्ली में ये जो सड़कें हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छी वॉकेबल बना रखी हैं, चलने में बहुत मजा आता है चाहे कितनी भी गर्मी हो, क्योंकि शेड पड़ रही है यहाँ पर, धूप में चलना नहीं पड़ रहा और गाड़ियाँ अलग हैं यहाँ से. देख रहे हो ना ये बीच में जो ग्रीन बैरियर बना रखा है, बहुत ज़रूरी है बनाना ताकि फुटपाथ जब लोग चलें तो उन्हें गाड़ियों का ज़्यादा शोर ना आए, गाड़ियों से ज़्यादा परेशान ना होना पड़े. काश वह दिल्ली या सारे इंडिया में ऐसी ही सड़कें होती जहाँ पर लोग आसानी से चल सकते. तो हम दिल्ली मेट्रो में बैठ रहे हैं, सिकंदरपुर स्टेशन से लोक कल्याण स्टेशन जा रहे हैं. देखते हैं कितनी भरी हुई होगी, बहुत टाइम हो गया ट्रैवल किए हुए, हर कोई कहता है बहुत भरी हुई होती है. देखते हैं. ज्यादातर मेट्रो खाली पड़ी है इस वक्त. प्लेजेंट एक्सपीरियंस था मेट्रो में. ये लोक कल्याण मार्ग वाला स्टेशन जनरली बहुत ही खाली रहता है, अनबिलीवेबल है. ऐसा लग रहा है कोई मेट्रो को यूज ही नहीं करता है यहाँ पे. I hope they don't overcharge. Yeah. Okay. कितनी देर लगेगी? 10 मिनट. ऑटो रिक्शा में 20 की स्पीड भी ऐसा लगता है कि गाड़ी पे 60-70 की स्पीड चल रही हो. एक कॉमिक बुक भी है इसमें पढ़ने के लिए अगर आप बोर हो रहे हो तो. ये आ गए हैं हम. आज बंद पड़ा है. अच्छा. Where are we going? Back to metro. Back to the station. कल इनॉग्रेट हुआ था ये, प्रधानमंत्री मोदी ने इनॉग्रेट किया था तो हमने सोचा कि आज खुला होगा. इन्होंने बताया कि ऑनलाइन बार बार दिखाया जाता है कि खुला हुआ है लेकिन जब जाकर देखते हैं खुला नहीं होता, रिलायबल नहीं है. इन्हें कम से कम टूरिज्म को प्रमोट करना है तो ऑनलाइन ढंग से इन्हें लिखना चाहिए कि कब क्या खुला है क्या बंद है, नहीं तो ऐसे ही लोग आएंगे डिसअपॉइंट होकर चले जाएंगे. Okay, so now we're going back. हमारा प्लान बी था, एक्चुअली प्लान बी नहीं, प्लान ए स्लैश टू था कि हम गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस जाएंगे इसके बाद, तो अब डायरेक्टली वहीं चलते हैं. दोपहर के 3 बजे हैं, फ्राइडे है और ये स्टेशन इतना खाली है कि लगता ही नहीं कि ये दिल्ली मेट्रो का हिस्सा है. मतलब हर कोई कहता है कि दिल्ली मेट्रो इतनी क्राउडेड है, इस जगह पर तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, कोई दूर दूर तक है ही नहीं यहाँ पर. होपफुली अब ये चीज खुली होनी चाहिए, नहीं तो चलो थैंकफुली यहाँ तो एंट्री मिल गई. ये 6:30 तो खुला है, हमारे पास करीब 1.5 घंटे हैं देखने के लिए. ये इसका पूरा नक्शा है. Where are we? We are here. It's very big actually. Very big and very peaceful. Also empty. Not that many people are visiting here. See? Point the camera there. Yep. मुझे एक्चुअली में कोई आइडिया नहीं है यहाँ पर है क्या. कुछ चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही हैं, जैसे मेज
और वहाँ पे एक कलर गार्डन, कोट्स ऑफ प्लांट्स, लिली पूल, नो वॉशरूम, नो टॉयलेट, इट्स ओनली अ प्लेस फॉर कन्वीनियंस। ये एक्चुअली में एक सन डायल है, लेकिन सूरज काफी नीचे जा चुका है तो काम नहीं कर रहा अब ये। This is solar hut, paddle power. I think it might be broken. I also think it's broken. Okay, let's move on to the next thing. You break it? ऐसा लगता है यहाँ पर सोलर पैनल्स लगाने की अटेम्प्ट करी थी कभी और बरसों से ये चल नहीं रहे हैं सोलर पैनल्स। एक्चुअली यहाँ पर तो ये पेड़ भी सोलर पैनल के अंदर से निकल गया है, पता नहीं कितना पुराना है ये गार्डन एक्चुअली में। एवरीथिंग इज क्लोज्ड हियर बिकॉज दिस वाज सपोज्ड टू बी अ स्टेशन ऑफ समथिंग एंड लुक लुक अबव देयर मस्ट बी सम ट्राम रनिंग हियर। एरोमेटिक गार्डन, आई थिंक इट्स बिहाइंड मे बी। एक और ऐसी बिल्डिंग यहाँ पर, पूरी ये फीलिंग आ रही है कि abandoned सी जगह हो, किसी ने छोड़ दिया हो उसे, mystical। It even says danger zone here, entry is prohibited। मुझे पता नहीं ये intentional है कि नहीं, लेकिन यहाँ रह के ऐसी feeling आ रही है जैसे कोई Chernobyl disaster zone में चले गए हो, यहाँ पर कोई nuclear हमला हुआ हो और उसके बाद इस जगह को बिल्कुल अबैंडन कर दिया गया हो। बहुत ही खुफिया, सब कुछ टूटा फूटा, डरावना भी कुछ सेंसेस में। यहाँ पे रात को आओगे तो भाई क्या जबरदस्त फीलिंग है। तो पता नहीं ओरिजिनल प्लान क्या था गवर्नमेंट का इसे बनाने का, लेकिन अब जो ये बन गया है ये अपने आप में ये काफी हॉन्टेड सी मिस्टिकल जगह बन गई है ये। व्हाट इज दिस? संदीप लव्स Afin, Puneet loves Fatima, Abhishek loves Rihanna, and why is it pointing towards Puneet? Rushana. Why are they both pointing towards Puneet? And Puneet is smiling. तुम नहीं समझोगे। She used to love someone and then in the night her ghost comes alive. गीता's ghost comes alive। कभी किसी जमाने में यहाँ पर रेस्टोरेंट होता होगा जहाँ पर लोग बैठ के खाते होंगे, लेकिन अब जंगल ने निगल लिया है इस रेस्टोरेंट को। आज के दिन ये जगह सिर्फ कुछ गिलहरियों और कबूतरों के लिए है। राहुल एक्स सुषमा, ये एक एम्फी थिएटर है। इन द रोमन टाइम्स दे यूज्ड टू हैव शोज हियर। पार्क में अच्छा व्यू पॉइंट बना रखा है, दूर दूर तक दिख रहा है यहाँ से। इट इज द आर्क ऑफ लव ने। तो आप में से जिन लोगों ने हमारा मेक्सिको चीचेन इत्सा वाला वीडियो देखा है, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इस गार्डन के बारे में। ये जो आर्क लगाई हुई है यहाँ पे 2013 में शीला दीक्षित के टाइम में लगाई गई थी और ये मायन आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है, मेक्सिको में जो था। तो इंडिया और मेक्सिको की पार्टनरशिप के लिए इसे लगाया गया था यहाँ पर, तब दोनों कंट्रीज के बीच में पार्टनरशिप को बढ़ावा देने के लिए। Okay, don't. No, but it's meant for that. It's the sound. The wind is. It's meant for the wind. Obviously, it's meant for the wind. Okay, enough. It's meant for that. It's meant for the wind. It's five senses. This is the sense. Are you the wind? Excuse me, sir. Are you the wind? I don't think it's meant for. It is the wind, I think. ये रहा Lily Pond. Lily Pond has become a water drinking station for the animals living here in the five senses. This once again looks so cool in a creepy way, in a mystic way, you know. It can be straight from a horror movie. वहाँ लगता है कि चिड़ियों की टीवी डिबेट चलने लग रही है, इतना शोर मचा रही है ये। I am sorry, Babu. जमकर लड़ाई हो रही है दो ग्रुप्स के बीच में ऐसा लगता है। मेरे आते ही चुप हो गई, नहीं इतनी भी चुप नहीं हुई, अभी भी बोले जा रही है। They're calling you to join the discussion. You also want to join the debate? Please maintain
decency in the garden. Are you decent? Maybe that guy is not decent. Cacti is at least here. That's a lot of cacti. यहाँ पर किसी engagement ceremony की भी decorations लगा रखी हैं. Suddenly the whole park completely changes the look. Oh, there it would happen. The decorations. It's still getting decorated. It looks really nice. Wow, what is this black plant? Which plant is black in color? Oh, that's a statue of a plant. Congratulations to anyone, whoever has the. इतना बड़ा कौन सा फ्रूट उग रहा है यहाँ पर? Looks like mango. It's too big to be a mango, I think. A bit too before the season. तो मैंने अभी पढ़ा है इसे साल 2003 में बनाया गया था इस Five Senses Park को. तो almost 20 years पुराना है ये पार्क. और अभी मैंने माली से पूछा कि कितने समय से इसे छोड़ दिया गया, बिल्कुल अबैंडन कर दिया गया सरकार के द्वारा, क्योंकि दिख रहा है पहले बस भी चलती थी, सोलर पैनल्स होते थे, इतनी अलग अलग चीज़ें होती थी. तो उन्होंने बताया कि करीब 10 साल से ऐसा ही हालत है इस पार्क की. अपने आप में एक यूनिक एक्सपीरियंस है ये भी, जो अबैंडन कर रखा है वो भी बड़ी मिस्टिक सी फीलिंग दे रहा है. और यहाँ पर जो लोग आते हैं नॉर्मली घूमने वो कपल्स ही होते हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स. तो एक अच्छा रोमांटिक स्पॉट है मैं कहूँगा इसे. काफ़ी नेचर में काफ़ी अच्छी जगह है, क्योंकि नेचर यहाँ का अभी भी प्रिजर्वड है जो ओरिजिनली 2003 में बनाने की कोशिश करी गई होगी. Yeah, right? It's very peaceful and you see a lot of couples here, so yeah, it's a nice spot to relax. It's almost always this empty, I think, because no one comes. Yeah, on Google Maps it says it's very crowded right now, but we find it extremely empty. Yeah, maybe crowded because of the engagement ceremony. Yeah, maybe. Okay, अब उम्मीद करते हैं अब इतनी फुल नहीं होगी मेट्रो. हो सकता है अभी रश आवर हो.